एसएससी जीडी के आंसर के आने के बाद कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और कट ऑफ बताने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आप मेरी कट ऑफ पे बिलीव क्यों करोगे और आप मेरी बातों को सुनोगे क्यों। 2022 का एसएससी जीडी पूरा मैंने क्लियर किया हुआ है, मतलब रिटेन, फिजिकल, मेडिकल, डीवी सारा कुछ क्लियर किया हुआ है। बस मैं 0.56 की वजह से ही फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था, क्योंकि जब 2022 में एसएससी जीडी हुआ था तो 100 नंबर का हुआ था और मेरे जो स्कोर थे 74.4645, ठीक है, 74.44 थे मेरे स्कोर, है ना, उस टाइम थे जब 100 नंबर का बोर हुआ था। और जो कट ऑफ बनी थी लगभग 75.75 की एक प्रॉक्सी बनी थी, है ना, 75 या 75 पॉइंट समथिंग बनी थी, मतलब लगभग आधा से एक नंबर के बीच का ही डिफरेंस था फाइनल मेरिट से जो बाहर हुआ था मैं। और तब से लेके अभी तक का जो जी डी का एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी बेहतरीन तरीके से रहा है। और आप कट ऑफ के बारे में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आप उस पर बिल्कुल पूरी तरीके से यकीन कर सकते हो। और अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल होना बाकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 प्लस भी नंबर बढ़ सकते हैं, ना 8 से 9 नंबर। वैसे मैं अभी लेके चल रहा हूँ जो मैंने लिख के लाया है यहाँ पे, बट मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्कोर आपका 10 प्लस भी हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में, है ना। तो देखो मैंने इसमें कट ऑफ को क्या किया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले ऐसे जोन्स जो काफ़ी ज़्यादा हाई जोन्स होते हैं जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, एमपी और राजस्थान, हरियाणा, इस तरह के जो जोन्स होते हैं काफ़ी रेड अलर्ट जोन होते हैं, इसकी कट ऑफ हमेशा ही हाई जाती है। और एक मीडियम जोन होता है, मीडियम जोन में इसके अलावा जो जोन्स बचेगा वो सारे मीडियम में आएंगे। मैं आपको हाई वाले बता दिया, लो की बात करूँ तो वेस्ट बंगाल, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये सब लो कट ऑफ जोन होते हैं। और इसके उपरांत जितने भी अभी तक राज्य बचे हुए हैं वो सभी मीडियम में आप लेके चल सकते हो। तो 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है। और अगर मैं हाई स्टेट कट ऑफ की मैं बात करूँ तो इसमें अगर यूआर की बात करूँ तो यूआर की अगर आपके स्कोर 122 से लेके 130 के बीच में है तो निश्चित ही आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, है ना, ये गारंटी। अगर इतने स्कोर बढ़ रहे हैं अभी, है ना, अगर इससे 2-4 नंबर कम भी है, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ेंगे, है ना, तो अगर 2-4 नंबर 5 नंबर कम भी है तो भी आप फिजिकल की तैयारी में लग सकते हो। ओबीसी की बात करूँ तो 118 से लेकर 126, एससी की बात करूँ तो 108 से लेकर 115, एसटी की बात करूँ तो 100 से लेकर 105 और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 115 से लेकर 122 तक, है ना। ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके इतने स्कोर बन रहे हैं कैटेगरी वाइज और जो मैं आपको स्टेट बता रहा हूँ हाई स्टेट कट ऑफ अगर उसके रेंज में हो तो बिल्कुल फिजिकल में लग जाना। और अगर मैं लो स्टैंडर्ड वाले जोन्स की बात करूँ जैसे कि वेस्ट बंगाल, गुजरात, पंजाब और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के, तो इसमें अगर यूआर की बात करूँ 98 से लेकर 102 नंबर के बीच में है तो आप बिल्कुल फिजिकल में लग जाना। ओबीसी की बात करूँ तो 95 से लेकर 104 के बीच में आपका स्कोर है तो आप लग जाना। एससी की बात करूँ तो 88 से लेकर 94, एसटी की बात करूँ तो 85 से लेकर 90 तक, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 93 से लेकर 97, है ना, इतने रेंज में है। अगर आप इन सारे स्टेट से बिलोंग करते हो जो मैंने आपको बताया, निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी में लग जाना। और फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा, क्योंकि मैंने इसका फिजिकल बहुत ही सही तरीके से निकाला था, क्या क्या टिप्स वहाँ पे फॉलो करने हैं, कैसे कैसे तरीकों को अगर आप वहाँ पे अपनाते हो ग्राउंड में, तो जो बच्चा कभी 24 मिनट में रनिंग नहीं कर पाया था अपने ग्राउंड में, निश्चित ही वहाँ पे आप 24 मिनट के अंदर मार सकते हो, है ना। और उसका जीता और जागता एग्जांपल मैं खड़ा हूँ, कभी 24 मिनट मेरे ग्राउंड में नहीं आते थे, पर वहाँ पे मैंने किन सारी स्टेप्स को फॉलो किया, कौन कौन से टेक्निक्स मैंने वहाँ पे जाके अपनाए जिससे कि मेरे स्कोर मतलब मेरी जो रनिंग हुई कंप्लीट हो गई थी। मतलब क्या क्या वहाँ पे आप प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, चॉकलेट वगैरह होता है, डेयरी मिल्क वगैरह, इस सब को खाओगे तो भी वहाँ पे फायदा होता है, अच्छे तरीके से आपको गाइड। बाकी फिजिकल की तैयारी अच्छे से करेंगे, फिजिकल मैं निकलवाने की गारंटी लेता हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है। अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि जीडी के बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए हैं मुझे अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जीडी का मैंने पूरा एक बार 2022 का पूरा मैंने सिनेरियो देखा हुआ है A to Z, है ना। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो रिटर्न हुआ था वो गोरखपुर में हुआ था और जो मेरा फिजिकल हुआ था वो भी गोरखपुर में ही हुआ था और मेरा जो मेडिकल हुआ था वो 5th बटालियन CISF कैंप गाजियाबाद में हुआ था, है ना, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी मैं अपने मेडिकल सर्टिफिकेट जो मैंने क्वालिफाई करा था सारा, मतलब स्कोर वाइज जो फिजिकल वगैरह सब कुछ मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, वो आप देख के इस चीज़ को यकीन भी कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर आप किससे जुड़ते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, भटकाने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, है ना, जुड़ना उन्हीं लोग से जो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सके जो फील्ड से निकले हुए हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक वीडियो के नीचे है, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर चाहते हो जीडी में पास होना, पूरा क्लियर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।